dear friends, subscribe to my YouTube channel and press bell icon. आराम से आपको आंखें बंद करके सुनना है, एकदम सीधे बैठेंगे. डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी. डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी. सबसे पहले हमने देखा था कि सोकोज नोटिस आपको कब तक इशू करना है और कब तक आपको ऑर्डर इशू करना है. इसमें हमने चार केसेस पढ़े थे. एक तो नॉर्मल केस, मिस नॉन फ्रॉड केस, सेकंड वाज फ्रॉड केस, थर्ड वाज यू हैव कलेक्टेड द अमाउंट बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ केस वाज नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स. जो आपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे अपना टैक्स असेस किया उसे आपने पे नहीं किया, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं हम. तो चार केसेस हो गए, फ्रॉड, नॉन फ्रॉड, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, एंड फोर्थ इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स नॉट पेड. नॉर्मल केसेस मीन्स नॉन फ्रॉड केसेस के केस में सोकोज नोटिस इशू करने के लिए जो आपके पास टाइम है वो है 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स. और ये 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स कहाँ से देखने हैं? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. जिस टैक्स पीरियड में आपने गड़बड़ की है, डिफॉल्ट किया है, उस टैक्स पीरियड की जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वहां से आपको 2 साल 9 महीने देखने हैं. रिफंड के केस में जब से रिफंड मिला है तब से देखना है 2 साल 9 महीने. ऑर्डर पास करने के जो लिए जो टाइम लिमिट आपको दी गई है वो 3 साल की दी गई है. तो सिंपली आप क्या करेंगे कि जो ड्यू डेट है उसमें 3 साल जोड़ लेंगे तो आपकी इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर की डेट आ जाएगी, उसमें 3 महीने घटा देंगे तो आपकी सो कॉज नोटिस इशू करने की डेट आ जाएगी. दोनों जगह इशू है, सर्विस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे. फिर नेक्स्ट हमने देखा फ्रॉड केस. फ्रॉड केस के केस में ये जो टाइम है जो 2 साल 9 महीने था पहले वो अब 4 साल 6 महीने हो जाएगा और ऑर्डर पास करने के लिए 5 साल. मींस नॉन फ्रॉड केस में हम आपको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं ऑर्डर करने के लिए और फ्रॉड केसेस में हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं ऑर्डर करने के लिए. नेक्स्ट हमने देखा अमाउंट कलेक्टेड बट नॉट पेड. इफ अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं आप उसे पे नहीं करते तो उस केस में सो कॉज नोटिस इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी रिकवरी की जा सकती है. जब सो कॉज नोटिस इशू होगा उसके 1 साल के अंदर आपको ऑर्डर पास करना है. फिर हमने देखा सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आप पे नहीं करते तो उसके लिए कोई सो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रिकवरी हम उसमें कर सकते हैं बिकॉज द अमाउंट इज नॉन. फिर हमने नेक्स्ट देखा था पेनल्टी. सेक्शन 73 एंड 74 नॉर्मल केसेस में कितनी पेनल्टी लगेगी, फ्रॉड केसेस में कितनी लगेगी. नॉर्मल केसेस सेक्शन 73 में कवर है जो कहता है कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. नॉर्मल केसेस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप सो कॉज नोटिस इशू होने के विद इन 30 डेज या बिफोर इश्यूएंस ऑफ सो कॉज नोटिस टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर देते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते तो इट मीन्स योर वॉन्ट्स योर मैटर मस्ट बी एडजुडिकेटेड. आपका मैटर एडजुडिकेट होना चाहिए, ऑर्डर पास होना चाहिए. उस केस में पेनल्टी लगेगी 10% और ₹10,000 विच एवर इज हायर. चाहे आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के विद इन 30 डेज पे करो या मत करो, इट इज नॉट ए क्राइटेरिया. अगर मैटर एडजुडिकेट हो गया तो 10% पेनल्टी और 10,000 विच एवर इज हायर पेनल्टी आपको देनी होगी. फ्रॉड केसेस में जो पेनल्टी है वो है 100% ऑफ टैक्स अमाउंट. अगर आप सो कॉज नोटिस इशू होने से पहले पे कर देते हैं टैक्स प्लस इंटरेस्ट तो आपको 15% पेनल्टी देनी होगी टैक्स अमाउंट की. टैक्स का 15% आपको पेनल्टी देनी होगी. अगर आप सो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ सो कॉज नोटिस तो आपको पेनल्टी देनी होगी 25% ऑफ टैक्स. अगर मैटर एडजुडिकेट होता है, असेसमेंट होता है, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होता है और उसके कम्युनिकेशन के विद इन 30 डेज अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 50% ऑफ टैक्स और अगर ऐसा नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ टैक्स. फिर हमें ध्यान रखना है कि जो स्टे होगा लिमिटेशन पीरियड में उतना ही पीरियड बढ़ जाएगा आपका जितने पीरियड स्टे रहेगा. फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अगर चार्जेज ऑफ फ्रॉड प्रूव नहीं होते बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ तो नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए नॉर्मल केसेस के जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सो कॉज नोटिस का उतने पीरियड का आप असेस करेंगे लायबिलिटी. अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी वजह से लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो 2 साल का टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डायरेक्शन या ऑर्डर. 2 साल के अंदर आप डिटरमाइन कर सकते हैं डिमांड. एडजॉनमेंट मैक्सिमम 3 एडजॉनमेंट आप ले सकते हैं इन द केस. एडजुडिकेशन ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर.
फिर हमने देखा कि जो सो कॉज नोटिस होगा, सो कॉज नोटिस में जो अमाउंट आपने मेंशन किया है उस अमाउंट से ज़्यादा डिमांड डिटरमाइन नहीं होगी, और ना ही जो ग्राउंड्स आपने मेंशन किए सो कॉज नोटिस में उसके बियॉन्ड आप असेसमेंट करेंगे। सो कॉज नोटिस में जो होगा उससे ज़्यादा आप ना डिमांड रेज करेंगे और ना ही उसके बियॉन्ड आप ग्राउंड्स पे डिमांड रेज करेंगे। इंटरेस्ट की पेमेंट मैंडेटरी है। फिर हमने ये देखा कि अगर सेक्शन 73, 74 की पेनल्टी लग गई तो सेक्शन 122 और जो फर्दर सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं उसकी पेनल्टी नहीं लगेगी। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, अगर टैक्स कलेक्ट किया और आपने पे नहीं किया तो ये रिकवर किया जाएगा आपसे विद इंटरेस्ट, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है सो कॉज नोटिस इशू करने की, एक साल के अंदर आपको ऑर्डर पास करना है। फिर हमने देखा था रिकवरी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 78, 79। अगर आप सर्विस ऑफ ऑर्डर जो आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ उसके 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करते तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। 3 महीने से कम का समय भी दिया जा सकता है इन स्पेसिफिक केसेस, 3 महीने से कम समय में आपको पेमेंट करनी है ऐसा भी कह सकता है ऑफिसर। रिकवरी कहाँ से की जाएगी? रिकवरी की जाएगी डिडक्शन फ्रॉम मनी ऑन बाय एसएससी, सेल ऑफ गुड्स अंडर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, जो गुड्स उसके कंट्रोल में उसने सीज किए जो उसके पास हैं उनको बेच के रिकवरी की जाएगी, उसके प्रॉपर्टीज़ को बेच के रिकवरी की जाएगी, लैंड रिवेन्यू की तरह जैसे रिकवरी करते हैं उस तरह से रिकवरी होगी, सियोरिटी से भी रिकवर किया जा सकता है, लिक्विडेटर से भी रिकवर किया जा सकता है, गार्निसी प्रोसीडिंग्स में रिकवरी होती है थर्ड पर्सन से तो गार्निसी प्रोसीडिंग्स भी अप्लाई हो सकती हैं। फिर हमने कहा देखा सेक्शन 80, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ड्यू इन इंस्टॉलमेंट। जो टैक्सेबल पर्सन है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कमिश्नर को, और कमिश्नर को अगर रीजन ठीक लगता है तो उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अलाउ कर सकता है। मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो 24 मंथ से ज़्यादा की नहीं होगी, मंथली पेमेंट करनी होगी आपको 24 इंस्टॉलमेंट में। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये यह है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो ये स्कीम खत्म हो जाएगी, आपकी अमाउंट ड्यू जो है वो इमिडिएटली पेबल होगी टू द गवर्नमेंट। फिर हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी हम नहीं देंगे अगर अमाउंट 25,000 रुपये से कम है, या टैक्सेबल पर्सन ने कोई डिफॉल्ट किया है, या उसकी उसने रिक्वेस्ट की लेकिन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसकी इस रिक्वेस्ट को अडॉप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो भी वो इस स्कीम में नहीं जा सकता, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर सकता। चार्ज क्रिएट हो सकता है एसेट पे, अगर चार्ज क्रिएट हो गया और उसके बाद अगर कोई भी किसी भी तरह की एसेट वो ट्रांसफर करता है तो वो इलीगल है, और अगर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ अमाउंट ड्यू है उसके बाद वो कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस पर फर्स्ट चार्ज गवर्नमेंट का होगा फॉर रिकवरी ऑफ ड्यू। उसके बाद हमने देखा प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का अगर पेंडेंसी है, ध्यान ये रखना है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है अगेंस्ट द असेसी, अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन, अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते। प्रोविजनल जो अटैचमेंट होगा उसकी लाइफ होगी 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 83, 83 सेक्शन इज फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा कि अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो जॉइंटली और सेवरली लाइबिलिटी होगी दोनों की टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर। उसके बाद हमने देखा एजेंट के केस में, प्रिंसिपल एजेंट के केस में प्रिंसिपल और एजेंट जॉइंटली सेवरली लाइबल होंगे फॉर द ड्यू। फिर हमने देखा अमलगमेशन के केस में, अमलगमेशन और मर्जर के केस में ऑर्डर की डेट और इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन में डिफरेंस होता है, मोस्टली डिफरेंस होता है, तो अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है और डेट ऑफ ऑर्डर अलग है बाय द कोर्ट, तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके डेट ऑफ ऑर्डर तक की जो सप्लाई होगी वो मानी जाएगी सेपरेट सप्लाई, और उस पर GST चार्ज होगा एज ए रिसीवर और एज ए पेयर, दोनों के लिए सेम प्रोविजन। मैंने एग्जाम्पल लिया था ए लिमिटेड बी लिमिटेड, दो कंपनियां अमलगमेट हो रही हैं, उन 15/11/2018 का ऑर्डर है लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन इज 1/4/2018, तो 1/4/2018 से लेके 14/11/2018 तक की जो सप्लाई होगी ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड, उस पर GST की लाइबिलिटी आएगी। फिर हमने देखा लिक्विडेशन के केस में लाइबिलिटी होगी लिक्विडेटर की, लिक्विडेटर जैसे ही अपॉइंट होगा वो इंटीमेट करेगा कमिश्नर को विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, कमिश्नर उससे कोई इन्फॉर्मेशन कॉल करना चाहते हैं तो कर सकता है, कमिश्नर 3 महीने के अंदर इंटीमेशन रिसीव होने के 3 महीने के अंदर उसको बताएगा, लिक्विडेटर को बताएंगे कि कितना अमाउंट ड्यू है अगेंस्ट द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ GST।
If tax and other sum cannot be recovered from company, every director during the period is jointly severally liable for due. फिर हमने नेक्स्ट देखा कि प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी जॉइंटली सेवरली लायबल हैं. हाउएवर अगर वो प्रूव कर देता है कि उसकी वजह से डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, सेक्शन 89. फिर ध्यान ये रखना है कि जॉइंटली सेवरली लायबिलिटी डायरेक्टर की नहीं होगी अगर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी में. फिर हमने देखा पार्टनरशिप फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जॉइंटली सेवरली है. हाउएवर अगर कोई रिटायर होता है पार्टनर तो उसकी लायबिलिटी रिटायरमेंट डेट तक होगी, उसके बाद वो लायबल नहीं होगा. फिर हमने गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो एप्लीकेबल हो इनकैपेबल पर्सन के केस में, कोई और बिजनेस रन कर रहा है और हिज बिहाफ, माइनर के केस में कोई ट्रस्ट बिजनेस रन कर रही है, कोई पर्सन रन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और इनकैपेबल पर्सन, तो उस केस में लायबिलिटी होगी गार्जियन की. कब तक? जब तक उसकी गार्जियनशिप ऐड नहीं हो जाती. उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट, अगर कोर्ट के पास कोई एसेट है, कोई कोर्ट के पास एसेट है तो इससे भी रिकवरी की जा सकती है. फ्रॉम सच कोर्ट ऑफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी और रिसीवर और मैनेजर. फिर हमने देखा डेथ के केस में क्या होगा, ध्यान रखने वाली बात है, याद रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेथ के केस में अगर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो वो लायबल होंगे फॉर द होल अमाउंट, और अगर वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते, तो जितनी एसेट्स उनको रिसीव हुई है डिसीज से उस एक्सटेंट तक वो लायबल होंगे. एचईएफ और एओपी के पार्टीशन के केस में हमने देखा जॉइंटली एंड सेवरली लायबिलिटी होगी अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन, दैट वी हैव सीन फॉर डिमांड एंड रिकवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.